करनाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की मनोहर सरकार ब्रोकन पॉइंट पर है, कभी भी किसानों के मुद्दे पर सरकार गिर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण सिंह ने विपक्ष के नेताओं को समय ना देकर लोकतंत्र का अपमान किया है। राज्यपाल केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं, हरियाणा सरकार अल्पमत में है। यदि हिम्मत है तो स्पेशल सत्र बुलाकर देख लें कि कौन किसान के साथ है या फिर सरकार के पक्ष में। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैमला में किसान महापंचायत बुलाकर किसानों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। किसान मुख्यमंत्री की किसानों को विभाजित करने की साजिश को विफल कर देंगे। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप शर्मा करनाल में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, रणपाल संधु, कृष्ण बस्ताड़ा, विनोद तितोरिया, एम एस महेंद्रू, प्रेम मलवनिया, डॉक्टर फतेह चंद, गगन मेहता, कुलवंत सिंह, होशियार सिंह, सुनहरा वाल्मीकि ने भी जानकारी दी। पत्रकारों से चर्चा की शुरुआत में उन्होंने किसानों के आंदोलन में शहादत देने वाले बाबा राम सिंह तथा अन्य शहीद किसान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहले किसानों से बात करनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने जाट समुदाय को दूसरों से लड़वाया, बाद में प्रदेश को वर्ग संघर्ष में झोंक दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। सरकार 7 दौर की बातचीत के बाद भी वहीं पर खड़ी है जहां पहले दिन थी। पहले दिन से किसान एमएसपी की गारंटी और किसान विरोधी तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर कायम है, फिर सरकार बातचीत के नाम पर आखिर नाटक क्यों कर रही है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान के बाद किसानों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार कब तक किसानों को शहीद होते देखती रहेगी? सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ना ले, किसान आने वाले दिनों में इतिहास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अब अपनी जिद से बाज आए। उन्होंने कहा कि जो किसानों की राजनीति करते थे वे किसानों को संकट में छोड़कर गोवा में ऐश कर रहे हैं। इनके चेहरे से कांग्रेस नकाब हटाएगी। इससे पहले त्रिलोचन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान हित में संघर्ष को टालने के लिए महापंचायत को रद्द करें। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के मानव सेवा संघ में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के वरिष्ठ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था कि मौजूदा समय में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको 40 दिन से लगभग ऊपर हो चुके हैं। सड़कों पर सर्द भरी रातों में किसान जो है सड़कों पर बैठा है। किसान भी झुकने को तैयार नहीं और सरकार भी झुकने को तैयार नहीं। आज उनकी वार्ता का 8वां दौर भी शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ये आंदोलन किस आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से तमाम मौसम की विपरीत परिस्थितियों के देश का किसान आज 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के स्वरूप में खड़ा हो गया है। और परिस्थिति यह है कि इतनी ठंड, 0 टेम्परेचर होने के बाद, बारिश, ओले पड़ने के बाद भी किसान बड़ी बहादुरी से दिल्ली के चारों ओर मोर्चे पर डटा है। परंतु ये हठधर्मिता ही कहेंगे सरकार की, कि सरकार 8वें दौर का आज बातचीत है, 7 दौर की बातचीत होने के बावजूद भी इस समस्या का कोई हल निकालने में कामयाब नहीं है। शर्मा जी, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि जमीनी स्तर पर उन्हें इस समस्या को समाधान नजर नहीं आ रहा, तो आखिर में समाधान कैसे हो, किस तरह से निकल सकता है, इसके लिए किसको आगे आना चाहिए, किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों से बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से आज रिसीविंग एंड पर कोई है तो सरकार है। किसानों ने तो कह दिया है कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन भी वापस नहीं होगा। सर, सरकार कहते हैं कि हमने उनकी 50% मांगे मान ली हैं, किसान कहते हैं कि हमारी सिर्फ 5% मांगे मानी गई हैं। एक तो जो पराली वाला कानून, उसको उन्होंने कह रहे हैं कि हमने रद्द कर दिया, जबकि जो बिजली से संबंधित कानून था उसके, वो तो विधेयक अभी तक नहीं आया था।
तो सरकार किस तरह से अब किसानों को गुमराह कर रही है? देखिए, किसानों का एजिटेशन जो है वो पराली बिल या बिजली बिल के खिलाफ नहीं था, जो तीन नए कृषि कानून बनाए गए थे उनके खिलाफ किसानों ने एजिटेशन देश भर में शुरू किया है। तो सरकार इस प्रकार का जो गुमराह करने की साजिश के तहत इस प्रकार की बातें फैला रही है कि भी कुछ मांगें मान ली गई, असल मांग है MSP से संबंधित, असल मांग है मंडी के संबंधित, असल मांग है कि ये देश का कानून, ये देश का किसान अपनी डोर को कॉरपोरेट हाउसेस को नहीं सौंपना चाहता, जो कि इस कानून, कृषि कानूनों के द्वारा सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। तो ये तो लड़ाई अभी उसका जारी है और कहीं भी सरकार ने किसी भी प्रकार से किसानों को 40 दिन से ऊपर हो गए बैठे, कोई कंसेशन देने की बात नहीं की, कोई सहयोग देने की बात नहीं की, और किसान ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि कमज़ोरी दिखाई दे। दिन प्रतिदिन किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है। सर, इस आंदोलन के दौरान अभी तक 60 से अधिक लोग, किसान जो हैं, जिसमें युवा भी हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार उनकी शहादत के बावजूद भी नहीं जाग रही, इसमें आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? और जो किसान अब शहीद हो गए हैं उनके लिए सरकार को क्या, उनके परिवार को आर्थिक लाभ देना चाहिए या जो अन्य सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी चाहिए? देखिए, कड़कते ठंड के मौसम में सरकार ने पहले किसानों के कदमों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, ठंडे पानी की वाटर कैनन से उन पर प्रहार किए गए, लाठियां बांझी, लेकिन किसानों के हौसले पस्त नहीं हुए। आज दिसंबर जनवरी की कड़कती ठंड में भी किसान अपना आंदोलन जारी किए हुए। ऐसे में जैसे आपने कहा, 50 से ज़्यादा किसान अपनी मौत, किसान इस ज़िंदगी गंवा चुके हैं, जिससे सरकार की कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। सरकार किसानों की जान की कीमत मानकर ही नहीं चल रही है, अदरवाइज 50 आदमी जिस आंदोलन में मर जाएं। जब चोरा चोरी कांड हुआ था गांधी, उसमें 4 आदमी मरे, 6 आदमी मरे, गांधी जी ने वापस ले लिया था। सरकार हठधर्मिता छोड़े, किसानों की बलि लेना बंद करे और कृषि कानूनों, काले कानूनों को वापस ले। सर, अब आगामी 10 तारीख को कैमला में CM मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि ग्रामीणों ने भी उनका विरोध जताया है कि वो उस प्रोग्राम को नहीं होने देंगे, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जानबूझकर सामाजिक तनाव और टकराव की परिस्थिति बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से इस आंदोलन से ध्यान भटक कर दूसरे मुद्दों की ओर चला जाए। उसी नियत से भारतीय जनता पार्टी और इसके मुख्यमंत्री, ये जो कैमला में 10 तारीख के सम्मेलन की बात की जा रही है, उसके पीछे नियत ये है, फूट डालो, ध्यान बांटो और भ्रम फैलाओ, यही नीति। सर, जिस तरह से जजपा के जो विधायक, उन्होंने अपना समर्थन वापस लेना शुरू कर दिया है, इससे आपको क्या लगता है कि जो इनकी राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 7 ऐसे विधायक हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं चाहे जजपा के, जो कुछ दिनों पहले तक सरकार का समर्थन कर रहे थे, अब उन्होंने समर्थन वापस लिया है, 2-3 ने चेयरमैनशिप भी छोड़ी हैं। सरकार खतरे में है। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये मांग की थी कि हरियाणा के विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, और इस मांग को आगे बढ़ाते हुए माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने का समय भी मांगा, तो राज्यपाल विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुला सकते हैं सत्र। परंतु सरकार ने और माननीय राज्यपाल महोदय ने समय नहीं दिया। अगर आज किसान के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें चर्चा हो,
साफ हो जाएगा कि कौन लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ खड़ा है। लेकिन सरकार डरी हुई है, सरकार कमजोर है, अंदर से खोखली हुई है, इसलिए नहीं कर रहा। देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दे दी कि किस तरह से जो आंदोलन है, आंदोलन के चलते किस जो सरकार है वो खतरे में है, सरकार डरी हुई है। आगामी 10 तारीख को जो कैमला में उन्होंने सम्मेलन में सीएम साहब ने आना है, वो भी इसलिए आ रहे हैं ताकि वो फूट डाल सकें और किसानों का ध्यान भटका सकें, लेकिन वो अपने मनसूबों में सफल नहीं होंगे। हालाँकि मौजूदा समय में सरकार संकट में दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.